हेलो एवरीवन, आई एम शिमी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? तो मैं आज आप लोग के साथ एक डे इन माय लाइफ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं या फिर मेरे चैनल को पहली बार आए हैं, और अगर आपको ये वाला मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकॉन है, उसको भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो आपको मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको सारा नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप पहले मेरे वीडियो को देख पाएंगे। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का हैंडल है sweetnika2015। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो अभी हम लोग थोड़ा बाहर आए हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। सुबह का वक्त है, अराउंड 11 o'clock और समथिंग लाइक दैट। तो अभी ये एक इंडियन स्टोर है, तो यहाँ पे आए हैं कुछ वेजिटेबल्स लाने के लिए। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा दही, फिर मिंट लीव्स और कुछ कुछ वेजिटेबल्स ले रही हूँ। मैं जनरली दही हमेशा घर पे ही बनाती हूँ, लेकिन इस बार मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए था और अचानक से चाहिए था, तो मैं इंडियन स्टोर आ गई थी लेने के लिए। फिर अभी हम लोग पहुँच गए हैं वॉलमार्ट। वॉलमार्ट और एक स्टोर है जहाँ पर आप लोग को सब कुछ मिल सकता है। इट्स काइंड ऑफ बिग बाज़ार, थोड़ा सा बड़ा टाइप का बिग बाज़ार। US में आप बोल सकते हो, इंडिया का जैसा बिग बाज़ार होता है उस टाइप का ये। अगर आप US में हो तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे ग्रॉसरीज, वेजिटेबल्स से लेके, ड्रेस से लेके, टॉयज़ से लेके, मेकअप से लेके सब कुछ मिल जाता है। तो वही मैं यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ। आप जितना भी ग्रॉसरी शॉपिंग कर लो, कम ही हो जाता है। हम लोग तो हर स्टोर जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रॉसरीज लाने के लिए। तो ये वॉलमार्ट से मैं थोड़ा ले रही थी नींबू, फिर थोड़ा सा बनाना, फिर यहाँ पे ले रही थी थोड़ा सा ब्रेड, फिर हमें और कुछ कुछ चाहिए था, तो वही हम लोग थोड़ा थोड़ा कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोग हफ्ते में 1 week में कितने बार ग्रॉसरी शॉपिंग करते हो, और अगर आप लोग US पे हो तो बताना कि आप कहाँ कहाँ से ग्रॉसरी शॉपिंग करते हो। तो अभी हम लोग का ख़रीदना हो गया, अभी हम लोग बिलिंग कर रहे हैं, और आजकल तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो सेल्फ चेकआउट हो गया है। आपको कोई असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है, आप हर प्रोडक्ट को स्कैन कर सकते हैं ऐसे जैसे कि मेरे हस्बैंड यहाँ पर कर रहे हैं, और फिर कार्ड से बिल पे करके आप सामान ले सकते हैं। तो अभी हम लोग का शॉपिंग हो गया, अभी हम लोग घर आ रहे हैं, और मैं आप लोग के साथ आज दो अच्छा वाला रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो मैं लंच पे बनाई थी। तो अगर आपको अच्छा लगे ये वाला रेसिपी तो आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा घर पे, अगर कभी नहीं बनाए हैं तो मेरे स्टाइल में। तो बस अभी घर पहुँच गए हैं, तो चलिए देखते हैं मेरा पहला वाला रेसिपी जो मैं बनाई थी, दाल मखनी। तो दाल मखानी बनाने के लिए मैं पहले दिन रात को ही थोड़ा सा उड़द दाल और थोड़ा सा चना दाल को सोक करके रख दी थी, अराउंड 6 hours। जैसे कि उड़द दाल 1 cup हो गया, तो उसका 1/4 cup मैं ली थी चना दाल। एक्चुअली अगर आपके पास राजमा है ना, तो मैं बोलूँगी कि आप राजमा लीजिए, क्योंकि मेरे पास राजमा नहीं था घर पे, तो मैं चना दाल यहाँ पे ली हूँ। तो जितना आप उड़द दाल लेंगे, यानी कि बीरी जो हम लोग उड़िया में बोलते हैं, उसका 4 हिस्से में एक हिस्सा आप लेंगे चना दाल, तो बहुत ही कम चना दाल। उसको मैं क्या कर रही हूँ, अभी थोड़ा सा नमक और फिर थोड़ा सा पानी देकर प्रेशर कुक कर रही हूँ 2-3 whistle तक, जितने में आपका जो दाल है पूरा अच्छे से गल ना जाए। उसके बाद फिर हम उसको टेम्परिंग देंगे, यानी कि जो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप होगा दाल मखनी के लिए। तो अभी क्या की हूँ, मैं कढ़ाई में ली हूँ घी, और मिक्सचर कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही घी लगेगा क्योंकि बहुत रिच वाला एक दाल है। तो अभी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही घी ली हूँ, अराउंड 4 tablespoons होगा। और अभी मैं इसमें ले रही हूँ एक बड़ा सा ऑनियन कट करके। अगर आपका ऑनियन छोटा छोटा है तो आप 2-3 ले सकते हैं, डिपेंड्स करता है कि आपका दाल कितना ले रहे हैं उसके हिसाब से, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही प्याज लीजिए। और अभी मैं उसमें थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ नमक, उससे जो कुकिंग प्रोसेस है थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा और मेरा जो नमक है अच्छे से गल जाएगा। अभी मैं उसको थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ, और देख सकते हैं मेरा जो प्याज है अच्छे से भुन गया है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये देखिए, मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट को ऐसे ही थोड़ा कूट के रखी हूँ। अगर आप चाहो तो ग्राइंडर में ग्राइंड करके भी रख सकते हैं, इसके साथ अगर आप चाहो तो ग्रीन चिली भी दे सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगी इसमें आप कश्मीरी रेड चिली है अगर आपके पास वो पाउडर ऐड कीजिए, उससे उसका जो कलर है वो अच्छा सा आएगा। तो फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद आप उसको भी अच्छे से भून लीजिए, जब तक जिंजर गार्लिक पेस्ट का जो रॉ स्मेल है उसका कच्चापन जो है वो चला ना जाए। वो भूनने के बाद अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टमाटर मीडियम साइज़ का।
तो इसमें टमाटर भी आपको अच्छे से डालना पड़ेगा क्योंकि उसका ग्रेवी है ऐसा, मतलब लाइक रिच फ्लेवर ग्रेवी होता है। तो अभी टमाटर देने के बाद मैं उसको भी अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और उसको तब तक भून लूँगी जब तक जो टमाटर जो है वो अच्छे से गल ना जाए, यानी कि थोड़ा सा मशी जब तक होना जाए। आप इस स्टेज पे उसको कवर करके एक मतलब 2-3 मिनट के लिए पका लीजिए जब तक आपका टमाटर जो है सॉफ्ट ना हो जाए। एक बार टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे सारा जो है ड्राई मसाला, यानी कि हम लोग का जो है कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, फिर धनिया पाउडर, मैं और थोड़ा सा जीरा पाउडर। जीरा पाउडर बहुत ही कम जाएगा इसमें। मैं जो कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर है वो मैं लास्ट में ऐड की हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा मेरी बेटी के लिए यहाँ से निकाल के रखी थी। तो फिर ड्राई मसाला को 1 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे जो बॉईल किया हुआ दाल जो हम लोग प्रेशर कुक किए थे, तो वो दाल को आपको निकाल के यहीं पे मिक्स करना है अच्छे से। अगर इस दाल में अभी आपका थोड़ा सा पानी भी है तो उसके साथ ही आप इसको ऐड कर दीजिए और अच्छे से उसको एक मिक्स दे दीजिए। और बस इसी तरह से आपको बस 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही पकाना है जब तक जो सारा मसाले हैं जो वो दाल में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। 1-2 मिनट पकाने के बाद अभी यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ गरम पानी। अगर आपके पास पॉसिबल है तो थोड़ा सा पानी को गरम करके ऐड कर दीजिए क्योंकि तब क्या होता है ना, जो कुकिंग प्रोसेस है लाइक थम नहीं जाता, इन वे कुकिंग ही होता रहता है। तो उसको एक उबाल आने दीजिए। उसके बाद फिर हम इसमें ऐड कर रहे हैं लाइक हैवी क्रीम। तो अगर आपके पास हैवी क्रीम नहीं है तो आप थोड़ा सा कैश्यू को भी लाइक पेस्ट करके ग्राइंडर में वो भी ऐड कर सकते हैं। तो फिर वो हैवी क्रीम ऐड करके उसको फिर 1 मिनट के लिए पकाइए। लास्ट में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला एंड कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। जैसे कि मैं बोली थी, आप कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर स्टार्टिंग पे ही दे सकते हो जब आप धनिया पाउडर और जीरा पाउडर दे रहे थे, लेकिन मैं लास्ट पे ऐड की। तो एक बार अच्छे से सब कुछ मिक्स हो जाए और सारा फ्लेवर जो इन्फ्यूज़ होना जाए, लाइक क्रीम देने के बाद आप इसको लाइक 5 to 10 मिनट्स अच्छे से पकाइए और उसके बाद फिर आप ऐड कीजिए लाइक गरम मसाला एंड एट द एंड आप थोड़ा सा धनिया पत्ता जो है उसमें गार्निश कर दीजिए। एट द लास्ट मैं गैस को बंद कर रही हूँ और फिर एंड में थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ फ्रेश क्रीम के साथ। और बस हम लोग का जो दाल मखनी तैयार है। अब इसको चाहो तो रोटी के साथ खा सकते हो, पराठे के साथ खा सकते हो, राइस के साथ खा सकते हो। मैं बोलूँगी आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिए पराठे के साथ खाने के लिए क्योंकि मैं राइस के साथ खाई थी सुबह और मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया था तो मैं उसको रात में खाई पराठे के साथ और मुझे ज़्यादा पराठे के साथ ही अच्छा लगा। तो ये था मेरा फर्स्ट रेसिपी। जो सेकंड यानी कि लास्ट रेसिपी है इसका नाम है बैंगन पोस्तो, यानी कि ब्रिंजल इन पॉपी सीड पेस्ट। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैं पहले क्या की हूँ, बैंगन को ऐसे लंबे लंबे पीसेस में कट करके रखी हूँ। मैं यहाँ पे जो लंबा लंबा पतला वाला बैंगन आता है उसको कट करके ली हूँ। आप चाहो तो कोई भी बैंगन ले सकते हो, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा थोड़ा पतला पतला स्ट्राइप्स में ऐसे काटे। अगर मोटा काट रहे हो तो फिर उसको अच्छे से पकाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं उसको अच्छे से धो के अब इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक एंड थोड़ा सा हल्दी पाउडर और उसको फिर एक अच्छा सा मिक्स दे रही हूँ। ये वाला रेसिपी मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगता है। इन जनरल वो बैंगन का इतने सारे डिफरेंट रेसिपी उनको इतना अच्छा नहीं लगता, बैंगन का कोई भी रेसिपीज़ थोड़ा बहुत ही वो खाते हैं लाइक दही बैंगन उस टाइप का, लेकिन मैं ये बनाती हूँ उनको काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो अगर आपको बैंगन इतना अच्छा नहीं लगता है तो भी। तो अभी वो मिक्स होने के बाद एक पैन में मैं थोड़ा सा ली हूँ मस्टर्ड ऑयल और अभी सारे बैंगन को मैं सेलो फ्राई कर रही हूँ। इसको डीप फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा कम ऑयल में ही उसको सेलो फ्राई करना है जब तक आपका सारा बैगन जो है अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। बीच बीच में आप इसको चलाते रहिए जब तक आपका पूरा बैगन जो है कुक्ड और मतलब अच्छे से कुक ना हो जाए और थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए तब तक आप उसको फ्राई करना है और उसके बाद फिर आप उसको एक प्लेट में निकाल सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगी इसको अगर हो सके तो आप मस्टर्ड ऑयल में बनाइए क्योंकि उससे उसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। फिर सेम पैन में ही थोड़ा सा मेरा तेल बच गया था उसमें मैं फिर से और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल ऐड की। फिर इसमें ऐड कर रही हूँ मैं काला जीरा यानी कि कलौंजी। फिर कलौंजी स्प्लैटर होने के बाद अभी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कट ऑनियन। इसको मैं रफली चॉप की हूँ और ये लाइक हाफ ऑनियंस है। मेरा ऑनियन जो है बहुत बड़ा बड़ा आता है यहाँ पर, तो अगर आपका ऑनियन जो है मीडियम साइज़ का है तो आप एक मीडियम साइज़ का ऑनियन ले सकते हो। डिपेंड करता है आप ग्रेवी कितना थिक और थिन बनाना चाहते हो।
ये ग्रेवी जो है इन जनरल थोड़ा सा थिक ही रहता है, सेमी ग्रेवी टाइप का, पूरा ग्रेवी नहीं, पूरा ग्रेवी नहीं या फिर पूरा ड्राई भी नहीं। तो आपको अभी ऑनियन को है अच्छे से भूनना है जब तक वो है गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, पूरा गोल्ड मतलब पूरा भी उसको मतलब जलाना दीजिए, लाइक थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कीजिए। अब इस स्टेज पे मैं ऐड की टमाटर, मैं यहाँ पे ली हूँ एक मीडियम साइज का टमाटर और उसको अभी कवर करके कुक कर रही हूँ जब तक टमाटर जो है सॉफ्ट ना हो जाए। तो जैसे कि देख सकते हो टमाटर जो है पूरा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी ड्राई स्पाइसेस, तो मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा हल्दी, फिर कश्मीरी रेड चिली पाउडर, आप अपने हिसाब से ऐड कीजिए आपको कितना तीखा पसंद है, और फिर उसको मैं अच्छा सा मिक्स दे रही हूँ। अब इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी बीट किया हुआ दही, थोड़ा सा ही दही, ज़्यादा नहीं, 2 टीस्पून होगा, उसको अच्छे से फेंट लीजिए। उसमें ऐड कीजिए थोड़ा सा चीनी, ज़्यादा नहीं, और फिर थोड़ा सा नमक, चीनी बस बैलेंस करने के लिए, मीठा आपको नहीं लगना चाहिए, थोड़ा सा चीनी और नमक, उसको फिर यहाँ पे ऐड कर दीजिए और उसको एक अच्छा सा मिक्स दे दीजिए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ पॉपी सीड, यानी कि पोस्तों का पेस्ट। पोस्तों का पेस्ट जो है इतना अच्छे से नहीं हो पाता है, तो मैं रिकमेंड करूँगी आप पोस्तों यानी कि पॉपी सीड को पहले दिन रात को ही गर्म पानी में भिगो के रखिए और उसको फिर पेस्ट वो पानी के साथ ही ग्राइंड कर दीजिए। नहीं तो पोस्तों को क्या है, लाइक पॉपी सीड को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर दीजिए पैन में, फिर उसके बाद गर्म पानी में डाल के फिर उसको ग्राइंड कर दीजिए। वो पॉपी सीड का पेस्ट यहाँ पे ऐड कर दीजिए और उसको फिर 4-5 मिनट तक भून लीजिए जब तक जो उसका कच्चापन चला ना जाए। यहाँ पे मैं एक ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा जो है पानी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे जो पॉपी सीड का पेस्ट आप बनाए थे उसका 1 चम्मच आप एक्स्ट्रा साइड में रखिए, क्योंकि हमें थोड़ा सा बाद में ऐड करना है। तो अभी मैं यहाँ पे पानी देके उसको एक अच्छे सा मिक्स दे रही हूँ। आप यहाँ पे पानी का क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको कितना चाहिए। जैसे कि मैं बोली ये ग्रेवी थोड़ा सा लाइक थिक ग्रेवी होता है, तो पानी ऐड करने के बाद यहाँ पे जो मैं बचा हुआ 1 चम्मच पोस्तो यानी कि पॉपी सीड का पेस्ट था वो ऐड कर दी, और थोड़ा सा जो है सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल, उससे जो है लाइक ग्रेवी में अच्छा सा एक फ्लेवर और टेस्ट आता है। और यहाँ पे पॉपी सीड का पेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा देंगे ना तो काफ़ी अच्छा लगता है टेस्ट, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा, मेरे हस्बैंड बोलते हैं जब भी वो ये रेसिपी खाते हैं उनको नींद आता है, स्पेशली क्योंकि पॉपी सीड्स, पता नहीं बोलते हैं इन जनरल कि पॉपी सीड्स खाने से थोड़ा सा नींद आता है, तो अगर आप ज़्यादा पॉपी सीड का पेस्ट देंगे थोड़ा सा नींद लग सकता है, लेकिन टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो एट दिस पॉइंट जैसे कि आपका जो ग्रेवी है एक उबाल आ जाए, फिर अब इसमें जो फ्राई किया हुआ बैगन जो है उसको आप ऐड कर दीजिए और उसको फिर एक मिक्स दे दीजिए और कवर करके उसको पकने दीजिए जब तक सारा जो है फ्लेवर उसमें इन्फ्यूज़ ना हो जाए और जो बैगन है अच्छे से कुक ना हो जाए। इस स्टेज पे आप नमक को एक बार चेक करके एडजस्ट कर सकते हैं कितना आपको नमकीन मतलब कितना आपको नमक चाहिए। तो बस इसको मैं कवर करके फिर कुक कर दी, और ये देखिए मेरा बैगन जो अच्छे से कुक हो गया है, ग्रेवी भी पूरा ड्राई हो गया है। एट लास्ट मैं इसको गार्निश कर रही हूँ थोड़ा सा धनिया पत्ते के साथ और फिर एक मिक्स दे रही हूँ, और बस हम लोग का जो है लाइक बैगन पोस्तो यानी कि ब्रिंजोल इन पॉपी सीड पेस्ट ग्रेवी इज़ रेडी। ये वाला रेसिपी ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, काफ़ी अच्छा लगता है। इन्हें वे थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल यू नो मसालेदार से, तो एक बार ट्राई कीजिएगा, ये राइस के साथ काफ़ी अच्छा जाता है, लाइक प्लेन राइस के साथ। तो बस यही तक थी मेरी आज की वीडियो, आशा करती हूँ कि आपको ये 2 रेसिपी अच्छी लगी होगी, दाल मखनी एंड दिस बैगन पोस्तो। अगर अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वाला रेसिपी। अगर ये वाला मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। Thank you so much for watching, and I shall see you all with a brand new video. Bye.